नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके कुकिंग विद पूजा शॉर्ट चैनल पर। निवेदन है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आज देख लीजिए कि सर्दियों के मेहमान की सब्जी बनती कैसी है, यानी कि आलू पालक का सब्जी, आप इसे साग भी बोल सकते हैं। सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है टमाटर, मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन। आलू को मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है, पालक को बारीक बारीक काट लेंगे। सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भी इसी का इस्तेमाल करें। अगर आप भी सरसों के तेल से ही सब्जी को बनाएंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तड़के के लिए डालेंगे जीरा, सूखी लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज। मुझे तीखा ज्यादा पसंद है तो मैंने ढेर सारा हरा मिर्च डाल दिया है, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब डालेंगे आलू। आलू को थोड़ी देर तेल में भूनने के बाद डालेंगे टमाटर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला डाल करके मसालों को अच्छे से भून लें। मसाले तेल छोड़ने लगे हैं तो अब इसमें हम डालेंगे पालक। सारी पालक को डाल करके अच्छे से इसे ढक करके पका लेंगे। ये पक जाए तो थोड़ी देर इसे ढक्कन खोल करके पका लें। इसमें डालेंगे मैगी मसाला, अगर आपके पास है तो आप जरूर डालें। टेस्टी आलू पालक की सब्जी बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।